दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ड्रोन को आप किस तरह से अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी आपको और कितने में ये सारा सामान आ जाएगा और आप घर में किस तरह से इसको सारा बना सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ए टू जी ड्रोन को बनाने का तरीका बताऊँगा और आपको सामान के बारे में भी बताऊँगा और आपको एंड पर बताऊँगा कि आप ये सारा सामान कहाँ से बाय कर सकते हो और आपकी इस पर कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो दोस्तों आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रोन बनाना सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपने ड्रोन के लिए सामान लेना है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको सबसे पहले लेनी होगी ड्रोन की लेग्स, यानी कि चार लेग्स लेनी होगी। आप कोई भी कलर में ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो कलर्स में ली हैं, तो आप अगर दो कलर में लोगे तो ये अच्छा लगेगा, अलबत्त आप किसी भी कलर में ले सकते हो। इसके ऊपर आपने करना होगा इन मोटर्स को इंस्टॉल। मोटर को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इन मोटर को इंस्टॉल करने के लिए स्क्रूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो और उनको आप टाइट कर सकते हो तो आपकी मोटर जो होगी वो आसानी के साथ इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप दो कलर में लेना चाहते हो लेग्स तो दो में ले सकते हो, अगर अलबत्त आप एक कलर में भी ले सकते हो क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने दो कलर में इनको सेलेक्ट किया। इसके बाद आता है काम परों का। आपने यहाँ पर जो दो पर लेने हैं वो उनका कुछ इस तरह से होगा कि दो परों का डिज़ाइन एक तरह का होगा और जो दो पर होंगे उनका डिज़ाइन एक तरह का होगा, यानी कि ये दोनों एक मुखालफ सिमत में होंगे, तो इसलिए ये आपके ड्रोन को ऊपर उठाने में मदद करेंगे। इसके बाद अगर आप इन परों के अंदर देखते हो तो आपको परों के अंदर हुक्स मिल जाती हैं। आपने इनको इनका काम यह होता है कि आपने परों के अंदर इनको इंस्टॉल करना है। इंसर्ट करने के बाद ये जो हुक्स होती हैं ये आपके मोटर के ऊपर फिट करने के लिए होती हैं। आप अपने मोटर के साइज़ के मुताबिक इन हुक्स को निकाल के अपने परों के अंदर फिक्स कीजिएगा और करने के बाद अपनी जो मोटर होगी ड्रोन के जो लेग्स के ऊपर आपने इंस्टॉल की होगी उनके साथ आप इनको फिक्स कर सकते हो। ये आप उसी को निकालिएगा जो कि आपकी मोटर पर बिल्कुल फिट बैठता हो, तो आप उसी को निकाल के यहाँ पर फिट कर सकते हो। तो जब आप इनके ऊपर परों को इंस्टॉल कर दोगे, इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको करंट दोगे मोटर को, आपकी जो मोटर है वो घूमेंगी, जिससे आपका फ़ैन भी हो जो ऊपर आपने इंस्टॉल किए होंगे वो भी रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद ये आपके ड्रोन को ऊपर उठाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपकी बॉडी का ही हिस्सा है, इसके ऊपर आप अपनी जो ड्रोन की लेग्स होती हैं वो इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्क्रूज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी जो ड्रोन की लेग्स को इसके साथ अटैच करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जितने भी आपने जो भी चीज़ें इसके ऊपर लगाओगे, जिसमें आपकी बैटरी आ जाएगी, APM आ जाएगा, जो भी चीज़ लगाओगे वो सारी की सारी इसके ऊपर ही आएगी, यानी कि ये आपकी बॉडी का ही पार्ट है, ड्रोन की बॉडी का ही पार्ट है, तो इसलिए इसको भी आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप इसको ड्रोन को बनाना चाहते हो तो इसको भी लाजमी से बाय कीजिएगा। इसके बाद आते ही APM की बारी। इसको आप एक जिस तरह कंप्यूटर का एक CPU होता है, इसी तरह ही आप इसको ड्रोन का CPU समझ सकते हो। इसके अंदर ही आपको ड्रोन के जितना भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे इंस्टॉल करने होंगे। अगर आप कोई सेंसर वगैरह लगाते हो वो सारे के सारे इसी के ऊपर ही लगेंगे, यानी कि ये आप इस पर इनपुट दोगे तो ये आपको आगे से आउटपुट का काम करेगा। तो इसके ऊपर आप मुख्तलिफ दे सकते हो, मुख्तलिफ तरह की जगह हैं जहाँ पर आपको अपने सेंसर्स लगाने के लिए आपको मुख्तलिफ तरह की जगह मिल जाती है। यहाँ पर अगर देखोगे आप जूम करके तो आपको GPS के लिए भी जगह मिल जाएगी। अगर आप इसमें इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट के लिए भी जगह आपको मिल जाएगी। इसी तरह टेलीमेट्री की भी जगह मिल जाएगी। अगर आप तमाम सॉफ्टवेयर को रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट का बटन भी इसके ऊपर आपको मिल जाता है। दोस्तों ड्रोन के अंदर इसी की कॉस्ट तकरीबन काफ़ी ज़्यादा होती है APM की। तो अगर आप इसको बाय करना चाहोगे तो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हो, लेकिन इसकी कॉस्ट ड्रोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने देना है ड्रोन की मोटर्स को करंट, उसके लिए आप ये चिप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि बैटरी को इंस्टॉल किया गया है। अगर आप इस बैटरी को देखोगे तो बैटरी से करंट जाएगा इन वायर से होता हुआ आपके ड्रोन के अंदर, और आप देख सकते हो ये सारी की सारी एक चिप की मदद से कनेक्ट की गई हैं, और ये जो वायर है ये आपके जो हर वायर के साथ निकल रही है ये आपके APM के साथ जाकर कनेक्ट होगी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका काम क्या से होता है, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, ये वायर जाएंगी सीधी आपके मोटर के साथ और दूसरी जो वायर होगी वो आपके APM के साथ कनेक्ट होगी। और ऊपर आप देख सकते हो एक वाइट कलर में 3000 mAh की बैटरी को अटैच किया गया है। और दोस्तों आप सोच रहे होगे कि इसकी प्राइस कितनी होगी, हर पुर्जे की प्राइस कितनी होगी। दोस्तों मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा कि इस पर ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई है और आप इन पुर्जों को अगर बाय करना चाहते हो तो कहाँ से कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी आप देखोगे कि ये ड्रोन मैं किस तरह से बनाता हूँ तो आपने ये वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। दोस्तों बारी आती है यहाँ पर चार्जर की, मतलब कि अगर आपके पास कोई बैटरी है तो आपको चार्जर उसका लेना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इस बैटरी के केस में भी चार्जर ज़रूरी होगा क्योंकि
ड्रोन के केस में तो आपको चार्जर चाहिए ही चाहिए होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके एक रिसीवर आपको मिलेगा। ये रिसीवर आपका ये काम करेगा कि अगर आप अपने रिमोट की मदद से किसी भी तरह की कोई भी कमांड देते हो तो इस रिसीवर में आएगी, रिसीवर आपको APM के साथ जाके कनेक्ट करवा देगा। तो यानी कि रिसीवर एक APM के दरमियान ब्रिज का काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो बारी आती है, यहाँ पर GPS की बारी आती है। तो GPS इसलिए ज़रूरी होगा कि अगर आप अपने ड्रोन को कंट्रोल करना चाहते हो मोबाइल की मदद से तो GPS ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आप समझते हो कि इसके आपके एक्सपेंसिव जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको मोबाइल की मदद से आप नहीं कंट्रोल करना चाहते तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बारी आती है यहाँ पर कैमरे की। दोस्तों जो भी फुटेज वगैरह होगी वो आपका कैमरा ही आपको दिखाएगा। यानी कि जो भी बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो आपको ड्रोन को ऊपर उठाने में मदद करेंगी, लेकिन ये जो चीज़ होगी ये आपको आपका जो विजुअल होगी, आपकी जो पिक्चर्स होगी वो आपको दिखाने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर आप इस पर जो अपना खर्चा है वो ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसमें 4K कैमरा लगाओगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसमें कम कैमरा लगाओगे, मतलब कि अगर आप 1080p का लगा देते हो तो अब आपको रिज़ल्ट कम मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हो तो आप अच्छा कैमरा भी बाय कर सकते हो। ये आपके बजट पर डिपेंड करेगा। एंड पर मैं आपको बताता हूँ कि इन सब चीज़ों की प्राइस कितनी है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो कहाँ से बाय कर सकते हो, ऑफलाइन बाय करना चाहते हो तो कहाँ से बाय कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कैमरा भी देख सकते हो, कितना छोटा सा कैमरा है। दोस्तों ये कैमरा इसलिए छोटा बनाएंगे क्योंकि ये आपके ड्रोन को हैवी ना कर दे, और अगर आपके ड्रोन को हैवी करेगा तो ये उड़ने में आपके ड्रोन को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो इसीलिए इसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा कम रखा जाता है। ये आपके ड्रोन के नीचे फिक्स हो जाएगा एक ही जगह पर। इसके अलावा दोस्तों आप रोटेटेबल भी कैमरा ले सकते हो, लेकिन वो उसके लिए आपको लेदर से सेटअप करना पड़ेगा। अभी हम ड्रोन को जो है वो एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं तो उतनी देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा स्पीड अप। फाइनली दोस्तों ड्रोन को मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया गया है। तकरीबन अभी 50 से 60% काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख रहे होंगे कि APM को ऊपर रख दिया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको GPS की वायर भी नज़र आ रही होगी क्योंकि GPS को भी इसके अंदर लगा दिया गया है, और GPS को साइड पर रख दिया गया है ड्रोन के, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी का ही पार्ट है, इसके ऊपर आप चीज़ों को मैनेज करोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मोटर्स की जो वायर है उनको भी कनेक्ट कर दिया गया है, नीचे इसके बैटरी लगा दी गई है। अभी आप जो अनबॉक्सिंग करेंगे वो करेंगे रिमोट की, जिसकी मदद से हम कंट्रोल करेंगे अपने ड्रोन को। दोस्तों ये भी चीज़ ज़रूरी है, अगर आप इसको ड्रोन को बनाना चाहते हो या लेना चाहते हो तो रिमोट तो आपके लिए ज़रूरी होगा क्योंकि इसी की मदद से आप कंट्रोल करोगे। तो यहाँ पर अगर हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको रिमोट काफ़ी हैवी किस्म का आपको मिलता है। इसके आगे एक छोटा सा एंटीना वगैरह भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको बटन और पीछे की जानब आप सेल इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अलावा आपको नीचे एक छोटी सी डिस्क मिलती है जिसमें आपको इसके सॉफ्टवेयर होगा जो कि आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये कंप्यूटर में करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा और लेफ़्ट राइट अप डाउन करने का सारे बटन्स यहाँ से ही आपको मिलेंगे, यहीं से ही आप तमाम किस्म की कमांड्स वगैरह को दोगे। दोस्तों हमारा जो ड्रोन है तकरीबन मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो GPS को लगा दिया गया, इसके साथ टेलीमेट्री को लगा दिया गया, नीचे बैटरी है और इसके परों को भी अब कनेक्ट कर दिया गया है। मैंने दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा लिया है क्योंकि अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर वाली वीडियो आपको दिखाता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। आप YouTube पर सर्च कर सकते हो तो आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर आप खुद से बना रहे हो तो आपको मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की गाइड वगैरह सारी यूट्यूब पर अब अवेलेबल है, आप उसको जाके कर सकते हो। अभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेने वाली बाकी है, तो अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे और देखेंगे कि ये ड्रोन किस तरह से उड़ता है, कैसे क्या सीन होता है, सारा मैं आपको दिखाऊंगा। ड्रोन को उड़ाने के लिए जो खास चीज़ है वो उसका ध्यान रखें कि अगर पहली बार आप ड्रोन को उड़ा रहे हो तो किसी खुली जगह में ही जाके इस ड्रोन को उड़ाएं, क्योंकि ये हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कहीं पर क्रैश भी कर सकता है। जो ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको एक एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपने ड्रोन पहले कभी नहीं उड़ाया
तो पहले ट्राई मत करें, क्योंकि ये ड्रोन उड़ाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि रिमोट की मदद मतलब से आप कंट्रोल करोगे तो ये आसानी के साथ कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है ड्रोन को उड़ाना, लेकिन अगर आपने पहले ट्राई किया हुआ तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो आपने ड्रोन बनाया होगा उस पर कभी भी उसको ट्राई मत करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे संभाला ना जाए तो आपसे क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको कंट्रोल करने में मुश्किलात भी पेश आ सकती है। हो सकता है कि आपका ड्रोन क्रैश कर जाए अगर आपने पहले कभी नहीं उड़ाया, तो ये चीज़ का लाजमी से ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि ये सारा सामान आप कहाँ से बाय कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप लाहौर में एक शॉप है ड्रोन के रिलेटेड, उसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, वहाँ से जाके ये सारा सामान बाय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है, जहाँ पर ये सामान आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये सामान इस पर कॉस्ट कितनी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये सामान जब बाय किया गया था तब जो डॉलर्स की कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रही थी, जो जिसका इफेक्ट डायरेक्टली इन चीज़ों पर ज़्यादा पड़ता है। तो दोस्तों इस पर जो ओवरऑल कॉस्ट आई है हमारी वो आई है 50 से 60 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका वो सिर्फ और सिर्फ मकसद है ड्रोन को ऊपर उड़ाना तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ड्रोन को बनाया गया है इसमें इसलिए इसके ऊपर कॉस्ट इसकी ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर किसी भी चीज़ की एडिशन वगैरह करना चाहते हो, जिसमें आप कोई और सेंसर वगैरह ऐड करना चाहते हो, वो भी आप आसानी के साथ ऐड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद ड्रोन को ऊपर उड़ाना ही है और आपका कोई मकसद नहीं है कि इसमें कोई सेंसर हो कोई अच्छी तरह से जो आपको वीडियो वगैरह की क्वालिटी अच्छी तरह से प्रोवाइड करे, तो दोस्तों आपको अगर सिर्फ उड़ाना ही मकसद है तो आपका कॉस्ट कम भी हो सकती है, आप इसमें से कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एक अच्छा और प्रोफेशनल या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप ये ड्रोन के लिए जो सामान है वो। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। अगर स्क्रीन पर शो होने वाली वीडियोज नहीं देखी इन वीडियोज़ को लाजमी देख लें, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।